हेलो दोस्तों, आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं HyperX Cloud Alpha की। इस अनबॉक्सिंग में हम एक ओवरव्यू लेंगे इन हेडसेट्स का और देखेंगे कि ये हेडसेट कैसे हैं और इनके साथ क्या क्या मटेरियल हमें प्रोवाइड होता है। साथ साथ HyperX ने कैसे इसकी पैकेजिंग और मार्केटिंग पे ध्यान दिया है और क्या ये हेडसेट इंडियन मार्केट और इंडियन एनवायरमेंट के लिए सही है कि नहीं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आउटर पैकिंग। इसमें हमें क्लाउड अल्फा का नाम देखने को मिलता है, 2 साल की वारंटी, डिस्कॉर्ड सर्टिफाइड, थीम स्पीड सर्टिफाइड जैसी चीजें देखने को मिलती है। साइट की बात करें तो HyperX का लोगो है एज यूजुअल। और अगर बैक की बात करें तो इसमें हमको देखने को मिलता है फिर से क्लाउड अल्फा का नाम, साथ में डिटैचेबल माइक, डिटैचेबल केबल विद इनलाइन ईयर कंट्रोल। साथ साथ ये भी देखने को मिलता है कि इसमें एल्यूमिनियम फ्रेम है जो काफी स्टर्डी बनाता है इस बिल्ड को। भाई इसके साथ साथ मेमोरी फोम जो काफी कम्फी और काफी कुशनी है। उसी के साथ अगर हम और चीजों की बात करें तो वही कि अलग तरह के चीजों से बात करने की सब सर्टिफाइड है, टीम स्पीक, स्काइप, डिस्कॉर्ड। फिर दो तार है, एक 3.5 mm का, एक मीटर का, और फिर दूसरा 2 मीटर का। यही सब चीजें हैं। और इसके बाद अगर स्पॉन्सरशिप की तो अलग अलग CSGO टीम्स दिखाया गया है इसमें, इसको यूज करती है नावी टीम लिक्विड। बस यही सब चीजें इसके एक्सटर्नल में। साथ साथ एक ऊपर आपको हैंडल दिया जिसे आप इसको आराम से उठा सकते हो या कहीं रख सकते हो। और अगर बात करें कहां से हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे तो ये रही इसकी अनबॉक्सिंग स्टिकर। तो अनबॉक्सिंग करने के लिए हम अपना निकालते हैं यस रामपुरिया चाकू। ओहो, और इससे हम अनबॉक्सिंग करेंगे इसकी। तो चलिए उस लेवल या स्टिकर को वहां से फाड़ते हैं और अब स्टार्ट होगी अनबॉक्सिंग अंदर पार्ट की। तो एक सेकंड रुकिए, अनबॉक्सिंग होने दीजिए, बहुत मजा आने वाला है अनबॉक्सिंग में। और फिर से हमको देखने को मिलता है HyperX का लोगो। तो बात करें इस बॉक्स की तो ये बॉक्स उतना ही प्रीमियम देखने को मिलता है, HyperX की ब्रांडिंग है। अगर हम चारों तरफ देखें तो हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो चलिए अब इस प्रीमियम बॉक्स को खोलते हैं। ओह यस, तो बॉक्स में अब देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। तो पहले बस एक HyperX का लिखा HyperX has you covered, लिखा है कि सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट हम आपको HyperX वाले देंगे, बस ये देखते हैं कितना है। और पीछे नंबर लिखा है अलग अलग लैंग्वेजेस में कि सारे इश्यूज हम कवर करते हैं, तो इसको अलग रखते हैं। उसके बाद देखते हैं और क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। तो ये एक बेसिकली सारे प्रोडक्ट के बारे में है। तो थैंक्स कह रहे हैं आपने HyperX के गेमिंग कम्युनिटी को ज्वाइन किया, यस तो आप HyperX की फैमिली का एक हिस्सा है। आप पढ़ लीजिए, मैं एक सेकंड के लिए रोक देता हूं, तो आप देख सकते हैं। बस वही है हैप्पी HyperX गेमिंग। और अब देखे तो बस एक बेसिकली मैनुअल है कि HyperX क्लाउड को कैसे यूज करना है, माइक प्लेस कहा है और माइक कैसे फिट करना है, और ईयरफोन जो जैक है वो उनमें सबको कैसे लगाना है, बस यही सब है। और पीछे दे सकते हैं जो इनलाइन कंट्रोलर है उसे कैसे यूज करना है, अप डाउन और माइक को ऑन ऑफ करना, ये सब चीजें। तो अब हम ओपन करते हैं ओ यस प्रोडक्ट को। तो प्लास्टिक को हटाते हैं, अलग करते हैं, शू शू गो फ्रॉम हियर, इसको हटाए। अब देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो अगर हम बॉक्स को देखें तो बॉक्स नीचे से नहीं निकलता, नहीं, बहुत ही स्टर्डी है नीचे से। सबसे पहले निकालते हैं हम लोग HyperX, यस HyperX का माइक। उसके बाद निकालते हैं, ये माइक आ गया। और अगर देखेंगे तो आपको सिलिकॉन भी मिल रहा है इसके साथ, यस मॉइस्चर हटाने के लिए। इसको हटाते हैं तो ये नीचे जो चीज रखी है आप और मैं सब जानते हैं क्या है, ये है केबल्स। यस इस पे आपको सारे केबल्स मिलेंगे जो आपको नेसेसरी हैं इस हेडफोन को चलाने के लिए। तो अब तीनों चीजें आप देख सकते हैं कैसे आराम से रखी है। तो सबसे पहले माइक की बात करते हैं, या माइक देख लीजिए, पॉप फिल्टर भी है इसमें, जैसे अगर आप थूकते हैं तो वो थूक गड़बड़ ना हो। अलग रखते हैं हम इसको, हेडफोन को एक मिनट अलग रखते हैं और देखते हैं कि हमको किस किस तरह के केबल्स देखने को मिलते हैं इसमें। तो ओपन सिम, तो सबसे पहले एक केबल, दो केबल और साथ में एक पाउच। तो अगर हम पाउच की बात करें तो उसको पाउच में फिर से यस फिर से हमको देखने को मिलेगी HyperX की ब्रांडिंग। अगर आप गौर से देखें, देखिए क्या अच्छी ब्रांडिंग है। तो इस को आप आराम से खोल के, इस आराम से खोला आपने, आराम से अपना हेडफोन रखा हेडफोन को बंद किया और किनारे रख दिया, तो आराम से इजी ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत मदद करता है। अगर आप केबल्स को देखें, केबल्स की बारी आ गई है, तो दो केबल्स हमको मिलेंगे, एक एक मीटर का है इसमें देख सकते हैं, दोनों ही ब्रेडेड है, फुल्ली ब्रेडेड। एक एक मीटर का है, इसमें आपको देखिए गोल्ड प्लेटेड दोनों, और मेंशन भी है कहां लगाना है। और ये अगर आपने पीसी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए, वो PS4 के लिए, ये पीसी के लिए, देख सकते हैं आराम से आप, आराम से देखिए साइड्स, और बहुत इजी। यही चीजें हैं जो इस हेडफोन को बहुत ही अच्छा बनाती है। अब हम बात करते हैं यस मेन पार्ट की जो आने वाला है, उससे पहले हेडफोन को देखते हैं। हेडफोन काफी ज्यादा बेंडेबल है, देख सकते हैं कितना बेंडेबल है। तो अब बात आई हेडफोन की, तो हेडफोन को हम फिर से बॉक्स से निकालते हैं यस, और आप देख सकते हो कितना ही प्रीमियम दिखता है ये हेडफोन। तो आप देख सकते हो इजी, तो दोनों साइड स्टिकर्स थे, पहले हम दोनों साइड के स्टिकर्स को निकाल लेते हैं। देखिए प्लास्टिक है तो ये निकाला हमने एक साइड का स्टिकर, और अब निकालेंगे हम लोग यस यस दूसरे साइड का स्टिकर की बारी आ चुकी है। दोनों साइड के स्टिकर निकल गए, तो देख सकते हैं आपको ये लोगो में मैट फिनिश देखने को मिलेगी। तो मैट फिनिश की जैसे ज़्यादा शाइन नहीं करेगा और काफी सही रहेगा।
देगा, दोनों साइड आप देख सकते हैं। बात करें तो ये स्विवल देगा लेकिन ये फुल रोटेट नहीं करेगा, जैसे आप नेक पे रखना चाहते हो वो नहीं। फोम की बात करें तो बहुत ही थिक फोम है, आप खुद देख सकते हो कितना थिक फोम है, कान पे उतना अच्छा सेटल होता है, तार है आराम से बिल्कुल डिजाइनर तार लगते हैं, और हाइपर एक्स की ब्लैंडिंग मैं क्या बोलूं, एल्युमिनियम फ्रेम बहुत ही स्टर्डी है, काफी सॉलिड बिल्ड है इसका, देख सकते हो आप बहुत ही सॉलिड बिल्ड है। ये छेद है ये बेस बूस्टिंग के लिए दिए गए, आराम से बेस बूस्ट होगा आपका इन छेदों की मदद से, ये भी एक अच्छा इंक्लूजन है इसका। और अगर मैं और चीजों की बात करूं तो ये सारी चीजें हो गई, आराम से आप देख सकते हो साइड में फोम है ऊपर, तो हेड पैडिंग भी उतनी अच्छी रहेगी आपके लिए, स्टिच्ड है कम्प्लीटली स्टिच्ड है जिसे और प्रीमियम लुक आता है इसमें। और अगर मैं आप और बात करूं तो आप जैसे देख सकते हैं दोनों जैक दिए हैं, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिटैचेबल है माइक और इसका कंट्रोलर, तो दोनों जैक का देखिए, तो माइक अगर आप फिट करेंगे तो ऐसे आराम से फिट हो जाएगा माइक आपका, अगर आप आराम से देखें माइक फिट हुआ। अब जैक की बात करें तो जैक में लेबल है कि कौन सा जैक हेडफोन में लगना है और कौन सा आपके मोबाइल या पीसी डिवाइस में लगना है, तो आराम से लग जाएगा। 1 मीटर का तार है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बेसिकली हर डिवाइस के लिए आराम से ये काम करेगा, तो अगर निकालना है तो हल्का सा बस हल्का सा प्रेशर लगाइए और आराम से निकल जाएगा। और अगर बात करें बिल्ड की तो बिल्ड उतना ही स्ट्रांग है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्ट्रेच हो पा रहा है। तो यही सब जो चीज़ें हैं ये इस हेडफोन को अच्छा बनाती हैं। तो अब हम अनबॉक्सिंग यहीं पे एंड करते हैं इस डिवाइस की।